दोस्तों जैसा कि आपको पता है प्रभास की मच अवेटेड मूवी सलार जिसने इंटरनेट पे आग लगा दी है। आखिरकार इस मूवी ने कितने रिकॉर्ड बना लिए हैं, इन ढेर सारी बातों पर हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ दोस्तों मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है प्रभास की मच अवेटेड मूवी सलार जिसका फैंस काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार आज खत्म होता है और इस मूवी का टीजर रिलीज होता है। लोग सिर्फ स्क्रीन पर देखना चाहते थे प्रभास को, जो कि उन्होंने देखा। सलार का ये टीजर इतना ज्यादा इंटरनेट पर आग लगा चुका है कि दोस्तों इस कुल मिला के सिर्फ 10 घंटे के अंदर ही 40 मिलियन व्यूज हासिल कर लिए हैं। दोस्तों 40 मिलियन व्यूज और साथ साथ में दोस्तों टीजर ने लगभग 1.4 मतलब 1.5 मिलियन के लगभग इसको लाइक हासिल हो गए हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि लोगों के बीच में सलार का कितना ज्यादा जुनून है। लोग KGF 1 KGF 2 के बाद सिर्फ सलार को ही देखना चाहते हैं। आखिरकार सलार के रूप में यानी कि प्रभास का जो ऑरा है इस मूवी में उनको कैसे रिप्रेजेंट करने वाला है और लोगों को इनका ये रोल किस तरीके से अच्छा लगने वाला है। सेम उसी तरीके यानी KGF की तरीके से BGM को सेट किया गया है और जो एंट्री दिखाई गई है प्रभास की वो बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। बस थोड़ा सा और दिखा सकते थे कि प्रभास के बारे में, आखिरकार प्रभास का चेहरा या एक फाइटिंग सीन या एक मुक्का लात जो भी उनका जो एक्शन सीक्वेंस बनता है वो दिखा सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ इसमें। लेकिन वेट एंड वॉच, जितना कम दिखाएंगे उतनी उत्साह लोगों के बीच बढ़ेगी और मूवी का बस तो आप समझ ही सकते हो कि 10 घंटे में 41 मिलियन व्यूज हासिल करना वो भी यूट्यूब पर अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।